हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मेरा फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का और मैं स्विमिंग से शुरू करने वाला हूँ। तो मैं आपको अपडेटेड रखूँगा मैंने कौन कौन सी रूटीन फॉलो की और कितना अचीव कर पाया जो टारगेट सेट किया था उसके रेफरेंस में। लेट्स सी, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई टेक विथ मी फॉर स्विमिंग। ये मेरा टॉवल है, दिस इज माई ऑयल जो मैं अपने पूरे बॉडी को लगाता हूँ पूल में उतरने से पहले टू प्रोटेक्ट द स्किन, और ये गॉगल और मेरी कैप। इसके अलावा एडिशनली तो मैं और कुछ नहीं लेता हूँ, कॉस्ट्यूम पहन के जाता हूँ। आज मेरा प्लान है 1000 मीटर स्विम करना, धीरे धीरे ही सही, मे बी 200 के लैप्स में एक घंटे में ख़त्म करना। सो एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट। ये पूल है जहाँ पर मैं स्विम करने के लिए आता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये फुल ओलंपिक साइज पूल है। द लेंथ इज 50 meters एंड ब्रेड्थ इज 25 meters। तो अगर आप दोनों साइड से एक राउंड मार लेते हो तो आपके 100 meters हो जाते हैं। 10 rounds एंड 1 kilometer इज डन। हेलो, मैंने 1000 meters कंप्लीट कर लिए। एक घंटे का सेशन था, फाइनली ख़त्म हो गया। मेरे फॉर्म का मैंने एक वीडियो निकाला है, आई विल ऑल्सो अटैच इट। सो हियर इज माई वीडियो। अर्लियर आई ऑलवेज यूज टू गेट माई हेड आउट। मैं हमेशा अपना सर बाहर निकाल के स्विम करता था, जो काफ़ी इनएफिशिएंट तरीका है स्विमिंग करने के लिए। लेकिन फिर एक दिन इसी पूल में एक डॉक्टर आते हैं, आई थिंक इन हिज 40s, उन्होंने मुझे सर साइड से बाहर निकाल के सांस कैसे लेते वो सिखाया। उसके वजह से मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मैं 60% राउंड में ही थक जाता था और वो काफ़ी दिखे आता था कि स्पीड कम हो गई है। लेकिन इस टेक्निक के वजह से आई एम एबल टू फिनिश द राउंड एटलीस्ट विद द कंसिस्टेंट स्पीड। मेरा एम ये है कि मैं एक कंसिस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द रेस रख पाऊँ, बट लेट्स सी, आई नीड टू स्टिल फिगर आउट अ लॉट मोर थिंग्स।